मैं सौभाग्य मानता हूँ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, कि उनको बहुत कम उम्र में ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे मैं जोड़ पाया और उनको बता पाया कि ये क्यों आवश्यक है। मेरा नाम मनोज ददलानी है और मैं भोपाल निवासी हूँ और 2008 से मेरी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। मैं शिवयोग से जुड़ा 2008 में और जो प्रारंभिक शिविर होते हैं ज्ञान के, ध्यान के, वो मैंने अटेंड किए। फरवरी में एक शिविर था ऋषिकेश में 2008 का, प्रतिप्रसव साधना। वहाँ से मुझे बहुत कुछ इनसाइट मिला, मुझे अपने कुछ जन्म भी दिखे और मेरे को वहाँ से क्लियर हुआ कि मुझे इस जीवन में करना क्या है, मेरा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जो क्लियर लक्ष्य जो आया वो यही निकल कर आया कि मुझे हर हाल में अध्यात्म में आगे जाना है और जन कल्याण का शब्द जो था बार बार मेरे दिमाग में उजागर होता रहता था। तो जनवरी 2008 से शुरू हुई जर्नी, तो सेवा, साधना, संकीर्तन, ये मैंने सीखा क्या होता है, ज्ञान बहुत लिया, तो लोगों को जोड़ने का काम बहुत किया मैंने 2008 से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और साधना मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बट ठीक है, जितनी भी होती थी कर लेता था। स्वाध्याय, हमारे उस टाइम में जो स्वाध्याय 2008 में मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण था, वो समझ आता था स्वाध्याय का, तो वो घर घर जाके सत्संग करना, संकीर्तन करना, ध्यान करना, लोगों को इस मार्ग पे प्रेरित करना, ये मेरा 2008 से वो लक्ष्य बन गया। इसमें बढ़ता चलता गया और सेवा की बहुत सारी सेवाएं शुरू करें, गरीबों की सेवाएं, लोगों को जोड़ने की, अध्यात्म से जोड़ने की सेवाएं, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। व्यवसाय मेरा मेन था, मेरा बिजनेस था और बिजनेस में मेरे पास लोग काम करते थे, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर इसमें ही रहता था कि कैसे प्रचार प्रसार करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। और शिवयोग में रहकर जैसे जैसे ज्ञान मेरा बढ़ा, सिद्ध मंडल क्या होता है, कैसा होता है, ये बहुत बाबा जी ज्ञान देते थे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ज्ञान सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वही ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, उनको महसूस कराना, उनके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, व्याधियां हैं, उनको दूर करना, इस माध्यम से तो लोग जुड़ते थे। मैंने यही देखा, जहां कष्ट है वहां लोग जल्दी जुड़ते हैं, तो बहुत लोगों को हमने जोड़ा और इस कार्य में आगे बढ़े, सेवाएँ शुरू करीं। सेवाएं में हमने बच्चों की सेवा हुई, गरीब बच्चों की सेवाएं हुई, उन गरीब बच्चों की सेवा करते करते उनको मंत्र उच्चारण सिखाना, उनको मैनर्स सिखाना, उनको मॉरल साइंस सिखाना, बेसिकली ये करते थे। अब ऐसा मतलब कि भोजन के माध्यम से बच्चों को रिझाना, तो हम हर संडे को उनसे मिलते थे, ये सेवा करते थे, तरह तरह के व्यंजन उनको खिलाना और उनको प्रेरित करना, तो एक कल्चर डेवलप करना, बेसिकली एक अच्छा एनवायरनमेंट कल्चर डेवलप करना, ये सेवा में था हमारे। और जिससे भी मिलते थे उससे हम ये शेयरिंग करते थे कि क्या है अध्यात्म, क्यों आना चाहिए अध्यात्म में, तो ये बहुत किया। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ को निगलेक्ट करके, बिजनेस को भी निगलेक्ट करके, क्योंकि ध्यान सिर्फ यही रहता था कि कैसे लोगों तक
इसको पहुंचाना है। तो बीच बीच में तबीयत भी खराब होती थी तो बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो रोग भी लगे कुछ और समझ में भी आता था कि ये रोग बढ़ रहे हैं, इनको कैसे न कैसे ये किस कारण से बन रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी। पर अध्यात्म में बहुत आनंद आता था, लोगों के साथ शेयर करना, लोगों को बुलाना, बैठाना, बताना, करते 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 एक कारवां टाइप का बन गया, बहुत लोग जुड़े और बहुत सारे सेंटर्स खुले मध्य प्रदेश में, सब जगह होता था तो सबसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। पर प्रॉब्लम्स भी लाइफ में बहुत थी, बट क्योंकि सोच अध्यात्म की थी तो समझ में आता था कि कर्म क्या है, और है तो काटना ही है उसको, आगे बढ़ना ही है। और कर्म ये समझ में आया कि इस ध्यान साधना संकीर्तन मार्ग से कि कर्म कम हो सकते हैं, मतलब कि प्रभाव उसका कम हो सकता है। कर्म जो हम लिख कर आए हैं, जो हम सारी चीज़ें लिख कर आए हैं, जो हम डिसाइड करके आए हैं, वो तो काटने ही है हमको, बट इस मार्ग में रहकर जो सोच है, और वो कहते हैं ना बीइंग ह्यूमन बीइंग, डूइंग अगर बदलती है तो बीइंग बदलता है। तो उस थ्योरी, उस फंडे पे काम किया और लोगों की कनेक्टिविटी करी, नेटवर्किंग करी, बहुत लोगों को जोड़ा, सेवा में भी जुड़े बहुत लोग, अध्यात्म से भी जुड़े बहुत लोग। करते करते कष्ट तो जीवन में थे ही, पर ये ऐसा नहीं लगता था कि अध्यात्म में भी हैं तो कष्ट कम क्यों नहीं हो रहे हैं क्या। उसकी इंटेंसिटी कम थी, उसका प्रभाव जो बोलते हैं कम महसूस होता था, बट कष्ट रहते थे। 2021 में मुझे कोविड हुआ था, तो मैं उस टाइम पे बहुत हीलिंग का चलता था, तो बहुत लोग हीलिंग करते थे, काफ़ी लोगों से मैं जुड़ा हुआ था। तो कोविड में मेरे को बहुत 15 दिन बहुत ज़्यादा सेटबैक रहा, बहुत मन मेरा बहुत अच्छा रहता था, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो रही थी, बट मेरे को ऐसा था कि आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल उसमें, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को ये यकीन था कि येस आई कम आउट ऑफ इट। रोग आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं और निकल जाती हैं, एक फेज़ है, ये कटना है तो कट ही रहा है, किसी न किसी से तरीके से कर्म कटने हैं तो कटेंगी। उस समय जैसे ही कोविड से मैं निकला ही था मई के महीने में, मुझे किडनी का प्रॉब्लम 2010 से था, तो सिस्ट था मुझे किडनी में, बट इट वॉज नॉट हार्मफुल नहीं था वो मेरे लिए। पर इस कोविड के बाद मेरे को उसमें इन्फेक्शन हुआ किडनी में, और दवाइयाँ भी चल रही थी, टेस्ट भी चल रहे थे, मेरे को कोई रिलीफ खास उसमें मिला नहीं, पड़ता ही जा रहा था वो। और लगभग जून जुलाई में, जुलाई स्टार्टिंग में मुझे वंदना जी हमारे शिवयोग में जुड़ी हुई थी पहले, तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि बहुत सारे कष्ट हैं जीवन में, आप इसको थोड़ा सुनो। मेरे को उन्होंने 2-3 यूट्यूब लिंक्स शेयर करी, वो PSSM की लिंक्स थी, और मैंने उनको सुना तो मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कर्म से जुड़ी हुई लिंक्स थी, ध्यान से जुड़ी हुई लिंक्स थी, सज्जन सांगत्य से जुड़ी हुई लिंक्स थी, स्वाध्याय से जुड़ी हुई लिंक्स थी। मुझे पहली बार में समझ में आया स्वाध्याय, हम जो समझते थे स्वाध्याय जो हम करते थे वो श्लोकों का उच्चारण था और दुर्गा सप्तशती का उच्चारण था, और यहाँ पे स्वाध्याय का मतलब बुक रीडिंग था, जो अध्यात्म की बुक्स हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको ग्रहण करना, वो था जो सबसे टीडियस काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता। और मेरे को बहुत सारी बुक्स बहुत लोगों ने दी, और PSSM के बारे में जब गंदा जी ने बताया तो उन्होंने भी कुछ बुक्स दी, पर मैंने वो बुक्स पढ़ी नहीं। फिर उन कुछ ऑडियो बुक्स मुझे मिली साइट पे, मुझे उन्होंने भेजी, तो वो मैंने सुनी,
उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। कर्म सिद्धांत के ऊपर बहुत सारी स्पीकर्स ने बोला हुआ है, इस पर बहुत सारे मास्टर्स का मैंने सुना। तो सेठ विजडम रामाराजू जी का अनाउंस हुआ जुलाई में, तो मैंने वो पहला वर्कशॉप अटेंड किया सेठ विजडम का। सेठ विजडम बहुत इनलाइटिंग था और बहुत उसमें ज्ञान था, भरपूर ज्ञान था, और ऐसा लग रहा था कि कमी थी बहुत सारे ज्ञान की जो कि PSSM से पूरी हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि ये शिवयोग भी है और PSSM भी है, और क्योंकि मैं पत्री जी को बहुत सुनता था, पत्री जी हमेशा ये कहते थे कि गुरु कोई भी नहीं है, गुरु आपकी सांस है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये गलत होगा यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मैं गुरुमंडल समझता था क्या है। बाबा जी ने बहुत समझाया था कि गुरुमंडल कैसा होता है, क्या गुरुमंडल के आदेश होते हैं, कैसे गुरुमंडल ऑपरेट होता है, ये उन्होंने कई शिविरों में बताया था। और गुरुमंडल ही है जो कुछ ये डिवाइन प्रोसेस है पूरा जो चल रहा है आज की डेट में। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था पहले से ही, मैं इसमें बहुत विश्वास करता था, और सारी इंट्यूशंस मुझे वहीं से आती थी, वो प्रेरणा वहीं से मिलती थी, कौन सी सेवा कब करनी है, कहाँ करनी है, बिल्कुल स्पार्क आता था और मैं उस पर लग जाता था। चाहे वो अध्यात्म की हो, चाहे दुर्गा सप्तशती के शिविर हो, चाहे दुर्गा सप्तशती जगह जगह जाके करवानी हो। तो संघ साथ इतना अच्छा था कि प्रस्ताव रखते थे और वो कार्य हो जाता था, और बहुत सुखद होता था और बहुत अच्छा होता था। तो वो इंट्यूशंस को मैं हमेशा वैल्यू करता था, जो भी इंट्यूशंस आती थी सेवा संबंधित, ध्यान मार्ग से संबंधित, साधना संबंधित। पर यहाँ पे मुझे PSSM में आने के बाद ये समझ में आया कि जो ध्यान और ज्ञान प्रचार प्रसार करने की सेवा है, वो मुझे ऐसा फील हुआ कि सबसे अच्छी सेवा है, सबसे उत्तम सेवा है। तो मैंने सोचा कि यस, इस मार्ग में मेरे को और आगे बढ़ने को मिल सकता है। तो मैंने बोला इतने लोगों को हमने गुरुमंडल के आदेश से जोड़ा है, तो इसमें भी ये हो सकता है। और जो थोड़ी बहुत फॉलबैक्स थी वो शायद इससे पूरी हो सकती हैं। ये संपूर्ण ज्ञान है बेसिकली ध्यान का मार्ग। और 2008 से भक्ति योग मुझे समझ में आया कि मैं भक्ति योग में था, और अब मेरा ट्रांजिशन ध्यान योग में हो रहा है। तो मुझे ध्यान योग में ज्ञान और ध्यान और सज्जन सांगत्य समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट है। जब सेठ विजडम में और इन सब में मैंने देखा, तो उसको मैंने ज़्यादा समझा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लाइफ में, जिससे लोग समझेंगे कि वहाँ अगर उनको ऐसा हो सकता है तो हम क्यों नहीं करके देख सकते। तो ये कंपैरिजन से और कष्टों का निवारण भी बहुत इजीली हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ध्यान ज्ञान का मार्ग जो है, जो पत्री जी बताते हैं कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, तो इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बहुत बड़ा एरिया है सेवा का फील्ड। भोजन कराने से आप उस क्षण में उसकी पेट तो भर दोगे आप, बट यदि अगर उसको ध्यान सिखा दिया, उसको ज्ञान दे दिया, उसको इस मार्ग पे जोड़ दिया, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। वो जीवन परिवर्तन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन भूख प्यास मिटाना और कपड़े देना। या अगर उसकी बींग को ऊपर उठा दिया, तो उसकी ऑटोमेटिकली डूइंग बदल जाएगी और उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया PSSM में जुड़ने के बाद। सेठ विजडम हुआ, सेठ विजडम से बहुत बहुत ज्ञान मिला मेरे को, और उसके बाद ये JTTB भी 14 शुरू हुआ। JTTB 14 में जो फर्स्ट डे था एस्ट्रल हीलिंग का दीप्ति जी का, उस दिन जो ध्यान हुआ, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ध्यान में मैं गया और ऐसा डूबा कि कुछ सुधी नहीं थी मेरे को कि मैं कहाँ था। वो लास्ट में बिल्कुल मैं उठा, तो मुझे पहले लगा कि मुझे नींद आ गई, बट
जब सबका सुना मैंने, सज्जन संगत सुना, तो लगा कि ठीक है, प्रोसेस जो था वो बहुत अच्छा प्रोसेस था, डिवाइन प्रोसेस था और बहुत इफेक्टिंग प्रोसेस था। उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम थी ये वाली, जो मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी वो परसिस्ट करती थी। ध्यान के एंड में उन्होंने ये बताया कि 40-45 लोगों का किडनी संबंधित समस्या थी, जिनको स्टोन था, वो स्टोन हट गया उनका। एक व्यक्ति को कैंसरस सेल्स थे किडनी में, वो भी हील हो गए हैं और वो भी उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो उसके दो दिन पहले ही मेरी किडनी का एक टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि 3-4 महीने हो चुके हैं, तो एक कैंसर टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं, क्योंकि डाउट कर रहे थे कि शायद कैंसर हो। उसकी रिपोर्ट 4-5 दिन में ही आती है, क्योंकि बॉम्बे जाता है टेस्टिंग के लिए। उसके लिए ये बात जब उन्होंने बोली तो मुझे ऐसा कोई भय नहीं लगा, कुछ नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मल रूटीन है, करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी जो भी रहेगा। बट एस्ट्रल सर्जरी के एंड पे जब दीप्ति जी ने ये बताया कि ऐसा ऐसा हील हुआ है, और दो दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें ये आया कि मेरा कैंसरस फॉर्मेशन, जो सेल्स का फॉर्मेशन था, वो नेगेटिव था। और उसके जस्ट एक हफ्ते बाद, 7 या 10 दिन बाद ही, मेरी जो किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं था, जो इन्फेक्शन था, वो ख़त्म हो गया। मैं 3-4 बार टेस्ट कराए, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी समय से प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे लग रहा था ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये मेरा क्योर हो गया है। और मैं बहुत, मेरे को कृतज्ञता थी उस समय। और एक दिन ऐसा भी इत्तेफाक हुआ, जब वो यहाँ से निकली, साउथ से दिल्ली ट्रैवल कर रही थी, तो मुझसे, मैं उनसे मिलने गया हमारी टीम के साथ। वन्ना जी ने बताया कि वो आ रही हैं, मैं बोला ज़रूर मिलेंगे, मेरे को आभार व्यक्त करना है। मैं स्टेशन पे गया और मिला तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसा हुआ था एंड शायद वो तुम्हारा ही था, और नाउ यू आर क्योर्ड एंड यू आर हील्ड। सो एक्चुअली माई PSSM जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सेठ विजडम वर्कशॉप से तो ठीक है, मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया। JTTP 14 से मेरा PSSM में ट्रांजिशन हुआ एंड माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर इन PSSM। अध्यात्म में तो बहुत इंटरेस्ट था, ऐसा मैं मानता हूँ कि बेसिकली जो शिवयोग में इतने 13 साल में रहा, 2008 से लेके 21 तक, वो बेसिकली KG 1 से लेकर मैं जो भी ज्ञान ले सका और कॉलेज तक आया, अब हायर स्टडीज़ के लिए और हायर उसके लिए मेरे को PSSM लगता है कि PSSM इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, हमारा ट्रांजिशन जो भी लिखा है वो सब गुरुमंडल डिसाइड करता है, कौन व्यक्ति कब ट्रांजिट होना है, किसको मार्ग मिलना है, और वो चूज़ करते हैं हमको कि इसका मार्ग अब ये है, इसको अपन को, दे हैव टू यूज़ मी एज ए इंस्ट्रूमेंट। और मैं चाहूँगा, मेरी प्रार्थना भी हमेशा यही रहती है कि मैं हर अच्छे काम में, गुरुमंडल के काम में, एक इंस्ट्रूमेंट बनूँ और अध्यात्म के मार्ग पर रहूँ। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का खूब प्रचार करूँ, और इतने लोगों से मैं जुड़ा हूँ, बहुत लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 2008 से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोगों के कष्ट हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों से डिस्कशन होता है, मैं पूरा समय देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एजेंडा नहीं है, पर ये गुरुमंडल का एजेंडा है। जो लोग इतने जुड़े हैं और उनको मार्गदर्शन जब चाहिए होता है, तो मैं जस्ट उनको बताता हूँ। YouTube के इतने वीडियोस हैं PSSM के, मैं शेयर करता हूँ, खास करके नमस्ते PMC के, और जो कर्म सीरीज़ चल रही है वो, और ऐसी कई सीरीज़ हैं जो मैं पूरा सुनता हूँ, पहले पॉइंट्स नोट करता हूँ और फिर उसको उसमें कोशिश करके थोड़ी ब्रीफिंग के साथ भेजता हूँ, ताकि आदमी को, जो देखने वाला व्यक्ति है, उसको समझ में आए और वो जुड़े। कई लोग जुड़े भी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। कईयों को संकोच भी होता है कि ये मार्ग ऐसे छोड़ नहीं सकते, पर मुझे ऐसा संकोच कभी भी नहीं हुआ,
क्योंकि मैं यही समझता हूँ और ये जानता हूँ कि ये सब एक गाइडेड गवर्नेंस है पूरी, जो आपको गाइड करती है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, आपके एंजल्स हैं आपके साथ जुड़े हुए। ये सारी बातें मतलब कि मेरे को जो समझ में आई PSSM में, JTTP और सेट विजडम और इनर जर्नी और न्यू एनर्जी, ये सारे वर्कशॉप्स करने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आई। और बहुत कमी है संसार में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रचार प्रसार से बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मिसालें बनेंगी, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे जुड़ना है, क्यों जुड़ना है। सबके अंदर है बेसिकली ध्यान, जो पत्री जी कहते हैं ध्यान से अंदर से सब कुछ दिखता है। कई लोग मेरे को बोलते हैं अनुभव हमको तो नहीं हो रहे हैं, मैं बोला ज़रूरी नहीं अनुभव हो, वो उनकी गाइडेंस ऐसी रहती है गुरुमंडल की, वो आपको उस तरफ गाइड करेंगे, आपको उस तरफ प्रमोट करेंगे, उस तरफ आपको बढ़ावा मिलेगा। बस आपको एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप उसको कैसे आगे लेकर जा सकते हो। मैंने बहुत अगेंस्ट द विंड भी काम किया है, बिजनेस में काम किया है, बट क्योंकि मेरा मार्ग यही है और इसमें आगे मेरे को बढ़ना है, तो जो वहाँ पे कई लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं हुए, बट वो मैं देख रहा हूँ कि वो टीचिंग्स सारी जो थी, वो सारी टीचिंग्स किसी न किसी प्रकार से आई हैं सिखाने के लिए कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। मेरा सौभाग्य है कि मैं 40 साल की उम्र में अध्यात्म से जुड़ा, और मैं सौभाग्य मानता हूँ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, कि उनको बहुत कम उम्र में ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे मैं जोड़ पाया और उनको बता पाया कि ये क्यों आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइट वर्कर्स ही हैं, और इसको हमको खूब आगे लाइट को फैलाना है, नेटवर्किंग करनी है और इस मार्ग को उजागृत करना है। ध्यान मार्ग इज़ द अल्टीमेट मार्ग, और भक्ति मार्ग से ही प्रशस्त होता है ध्यान का मार्ग, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और जिनको डायरेक्ट ध्यान का मार्ग मिल रहा है, वो उनके बहुत अच्छे कर्म हैं जिसके वजह से वो इसमें आ रहे हैं। बाकी जो भी आज भक्ति योग में हैं, उनका मार्ग ध्यान में आना ही आना है उनको आगे चल के, और इसी मार्ग से, ध्यान भक्ति मार्ग से ही उनका मार्ग ये वाला प्रशस्त होगा, ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें। और ये मैंने समझा PSSM में आके, कोई रिग्रेट ऐसा नहीं है। कई लोग नेगेटिव आके बोलते भी हैं ऐसा हो जाएगा वैसा, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मेरी बहुत अच्छी भक्ति थी, मंदिर जाना मेरा बंद हो गया और बहुत सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई सेट विजडम और इनर जर्नी और न्यू एनर्जी के बाद, मतलब कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, थॉट्स बहुत क्लियर हुए हैं, ज्ञान है सर्वप्रथम ज्ञान है जिससे ये सारी चीज़ें हुई हैं। ज्ञान आता ही तब है जब आपका समय बनता है, जब आपका ठीक है ये जर्नी आपकी अब बड़ी है, तो ज्ञान आएगा ही तब आपको जब आपकी जर्नी और आगे ट्रांजिशन में बढ़नी है। ये मेरे को इससे समझ में आया, PSSM से समझ में आया, और मैं अब PSSM के काम में ही बेसिकली बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे, जब लोगों को मैं बताता हूँ, अपनी जर्नी बताता हूँ, लोगों की जर्नी बताता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। अभी JTTV 24 में बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है इस पर भी, और अच्छा अनुभव है मेरा, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गुरुमंडल का और विशेषकर पत्री जी का कि उन्होंने मुझे इस मार्ग में प्रेरित किया और मैं इस मार्ग में आया। मैं ज़रूर आभार व्यक्त करूँगा वंदना जी का, जो शिवयोग में ही थी और उन्होंने मुझे इसकी लाइट दिखाई और मैं PSSM में आ सका। थैंक यू सो मच।